खबर का हुआ असर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया सोनों को तीर्थ स्थल घोषित। सोनों तीर्थ नगरी में खुशी का माहौल, लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांट कर जताई खुशी। बीते 4 महीनों से लगातार चल रहा था सोरों जी को तीर्थ स्थल घोषित कराने को लेकर आंदोलन। बीती 25 तारीख से 2 तीर्थ पुरोहित बैठे थे भूख हड़ताल पर। 12 भगवान की नगरी सोनो शुक्र क्षेत्र बहुत ही पुराना व पवित्र तीर्थ स्थान है। सोरों में जनपद के आसपास से ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी पूजा अर्चना करने आते हैं श्रद्धालुगण। सोरों के पुरोहितों व जनता ने किया मुख्यमंत्री को धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राधा कृष्ण विजय तीर्थ। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीर्थ को सोरों को घोषित किया गया है, किस तरह का खुशी का माहौल तीर्थ नगरी सोरों में? हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जन भावनाओं की भावना को कद्र करते हुए और तीर्थ स्थल घोषित किया, और हमें अपित उनसे पूर्ण विश्वास है कि अब विकास की गंगा जरूर बहेगी। किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे यूपी सरकार के लिए? हमने हमारी जन भावनाओं का उन्होंने ध्यान रखा और हमारी उसको मांग को पूरा किया। क्या नाम है आपका? भूपेश शर्मा। भूपेश शर्मा जी, आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीर्थ नगरी सोरों को घोषित किया गया है, किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए? उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हमारा तीर्थ हमेशा आभारी रहेगा। उन्होंने तीर्थ स्थल घोषित किया है हमारी सोरों को। हम चाहते हैं भगवान उन्हें और उन्नति से ज़्यादा उन्नति से, और चाहते हैं जल्द उत्तर प्रदेश सरकार हमारे तीर्थ को बजट घोषित करे जिससे विकास हो सके। महाराज जी, क्या नाम है? मेरा आचार्य नरेश त्रिगुणाथ। त्रिगुणा जी, आज जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सोरों तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है, किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए? हम उत्तर प्रदेश सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे तीर्थ को तीर्थ स्थल घोषित किया है। इस कामना के साथ हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज किस तरह को सोरों जो तीर्थ स्थल घोषित किया गया, किस तरह की हर्ष हो रहा है सोरों वालों के लिए? हमारे सोरों में बहुत जश्न मनाया जा रहा है। सभी लोग बहुत हर्ष और उल्लास के साथ धूमधाम से योगी आदित्यनाथ के लिए बधाई दे रहे हैं, और यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि योगी आदित्यनाथ दोबारा CM चुन के उत्तर प्रदेश के दोबारा आए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कपिल पंडित। कपिल जी, आज तीर्थ नगरी सोरों को घोषित किया गया उत्तर सरकार द्वारा, किस नजरिए से देखते हैं? माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस क्षेत्र का दर्द समझा, और ये क्षेत्र की जनता हमेशा सदैव इनकी रेडी रहेगी। किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे यूपी सरकार के लिए? तहे दिल से धन्यवाद। आगे चुनाव में भरपूर बहुमत के साथ विजय मनाया जाएगा। मिजाज या तीर्थ नगरी सोरों घोषित किया गया योगी सरकार द्वारा, क्या संदेश दे जाएंगे सोरों की नगरी के लिए? मैं पहले आपको बताता हूँ, 10 दिन पहले मेरे लिए, सांसद जी के लिए, और गृह क्षेत्र अध्यक्ष जी थे, जिलाध्यक्ष जी भी थे, और यहाँ के प्रभारी भी थे जिले के, हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, और सभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बुलाया लखनऊ। हम सभी लोग थे, सभी विधायक थे, तो हर विधायक को पूछा जा रहा था तुम्हारे क्षेत्र में क्या काम कराया जाए जिससे जनता खुश रहेगी। तो सबसे पहले मैंने सोरों सुपर क्षेत्र को ही तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए कहा था, मैं तीर्थ स्थल घोषित कर दिया जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो पर्यटक वो मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत हुआ है उस पर कार्य प्रारंभ करा दिया जाए, बजट दे दिया जाए, ये दो ही काम मांगे थे माननीय मुख्यमंत्री ने। दोनों में भी पैसा आ रहा है और ये भी घोषित कर दिया, दोनों काम माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, और माननीय सांसद जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रयास किया और ये जनता के लिए सोरों घोषित हो गया, तीर्थ स्थल घोषित हो गया। ये बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी को।